आज की इस महफिल नूर की सदारत फरमा रहे क़यादत हज़रत अल्लामा क़ारी मुनव्वर रज़ा साहब क़िबला मौलाना आरिफ साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सालेहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम और आपकी मुश्तरका ये सआदत है कि हम और आप आज की इस महफिल पुरवकार में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को हम और आपके लिए दुनिया में भी बरकतों का सबब बनाए और आखिरत में नजात का जरिया बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको खुलूस की दौलत से नवाजे। नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, इसलिए जब भी किसी पाक महफिल में जाया करें तो अच्छी अच्छी नियतें करके जाया करें कि जो अच्छे पैगाम मिलेंगे, क्योंकि ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस है व जश्न रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आज की ये पुरवकार महफिल है। तो जो भी सच्चा पैगाम दिया जाए उसे अपनी अमली ज़िंदगी में भी उतारें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले सरवर कौनो मकाम फख्र कौनो मकाम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गरीबों के वक्सार शफी रोज़े शुमार रहमत लिल आलमीन राहत ला शफी मुराद मुश्ताकीन ताहो यासीन जान आलमीन मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहायत अदब के साथ बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैक या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैक या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब में नहीं तेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रात महफिल नूर में तशरीफ फरमा है, ज़ौक के साथ सुने, मोहब्बतों के साथ सुने, क्योंकि ये महफिल सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह,
अगर इजाजत है तो चंद शेर में भी पढ़ लूं। मोहब्बत से कहना या रसूल अल्लाह, जो मदीना जाना चाहते हैं वो कहें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले नहीं जाना चाहते, आप भी कह दें या रसूल अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन बनकर जो आए मुस्तफा। बात समझ में आए तो कहें और सच्ची हो तो कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन बनकर जो आए मुस्तफा, देखते ही देखते आलम पे छाए मुस्तफा। रहमतुल लिल आलमीन बनकर जो आए मुस्तफा, और झुक गया काबा अदब के साथ ये कहते हुए। झुक गया काबा अदब के साथ ये कहते हुए, झुक गया काबा अदब के साथ ये कहते हुए, झुक गया काबा अदब के साथ ये कहते हुए, मेरा काबा आज बंद कर देखो आए मुस्तफा। मेरा काबा आज बंद कर देखो आए मुस्तफा। बरेली का ताजदार पुकार के कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रसा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मालिक कौन है के बंदा नवाजी देखी, मालिक कौन है के बंदा नवाजी देखिए। मालिक कौन है के बंदा नवाजी देखिए, भूखे रह के दुनिया वालों को खिलाए मुस्तफा। भूखे रह के अल्लाह रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। मालिक कौन है के बंदा नवाजी देखिए, मालिक कौन है के बंदा नवाजी देखिए, भूखे रह कर दुनिया वालों को खिलाए मुस्तफा। और तवज्जो के साथ समाप्त करें, कह दें या रसूल अल्लाह। क्या ताज्जुब है अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान, क्या ताज्जुब है कि पढ़ते हैं सब अहले ज़बान, क्या ताज्जुब है अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान, क्या ताज्जुब है अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान, बेज़बान कंकर को भी कलमा पढ़ाए मुस्तफा। बेज़बान कंकर को भी कलमा पढ़ाए मुस्तफा। और बतौर खास तवज्जो फरमाया कि आज दुनिया वाले ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तासुब की ऐनक अलग करके तुम पढ़ो पहले मुस्तफा की सीरत को। जब तुम मुस्तफा की सीरत को पढ़ोगे तो तुम्हें पता यह चलेगा कि मेरे आका का वो अखलाक था, मेरे आका का वो किरदार था कि सरकार की बारगाह में जो आया है सरकार का हो गया हो। चाहे हजरत सलमान हो, चाहे हजरत सुहैब,
ہو چاہے حضرت بلال ہو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئے, پتہ انہیں یہی چلا ہے کہ جو یہاں سے کرم نوازی مل سکتی ہے کائنات میں کہیں سے نہیں مل سکتی ہے. حضرت زید نے اپنے خاندان والوں سے یہی کہا تھا کہ میں تمہاری جدائی تو گوارا کر سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی جدائی کو گوارا نہیں کر سکتا ہوں, اور کہہ دیا تھا پیغام دے دیا تھا کہ چھٹ جائے اگر دولتیں تو کیا کم چھوٹے نہ کبھی ہاں سے دامان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گر گئی تلوار ہاتھوں سے عمر کے چھوٹ کر, گر گئی تلوار ہاتھوں سے عمر کے چھوٹ کر, گر گئی تلوار ہاتھوں سے عمر کے چھوٹ کر, چشم الفت جس گھڑی اپنی اٹھائے مصطفیٰ. اور یہ پیغام بھی آج عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس پیغام پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, سارے لوگ اٹھائیں انشاءاللہ. ہاں آج سے اس عہد پر جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں اس پر ضرور عمل کریں گے. پیغام کیا ہے وہ بھی سن لیجئے, اگر بات صحیح ہو تو محبت ہے ضرور کہیں سبحان اللہ, پہلے ہی سے کہہ دیں سبحان اللہ. عہد کر لیجئے کہ ہرگز ہم نہ چھوڑیں گے نماز, کہنا انشاءاللہ. غنیمت جانے کہ حضرات آج وہ لوگ بھی اپنے بستروں پہ پڑے ہیں جو سوچتے تھے کل سے نماز پڑھیں گے, اگلے ہفتے اگلے مہینے سے نماز پڑھیں گے, کوئی کہتا تھا رمضان میں نمازی بن جائیں گے مگر آج ان کو فالج ہو چکا ہے, بستروں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. کرم مانے رب کا مصطفیٰ کے صدقے میں کہ آج تمہیں جو توفیق مل رہی ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں, رکوع کر سکتے ہیں, مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, ہو سکتا کل وہ دن ہمارے سامنے نہ آئے کہ ہم ترس جائیں رب کے لیے سجدہ کرنے کے لیے. ایک دور آیا تھا نا وہ ابھی کرونا وائرس میں تو امام صاحب کی آفت تھی, ہنگامہ کھڑا کر رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے, کوئی کہتا تھا ہم نماز پڑھیں گے, ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے بعد سارے نمازی ہو جائیں گے, لیکن جیسے ہی وہ عالم ہم پر دور ہوا پھر وہی حال ہو گئے, آج پھر ہماری مسجدیں خالی ہے. اگر ہم یقیناً آج بھی نمازی نہ بنے تو یقیناً پھر ہمارے لیے حالات اور مشکل اس سے مشکل آ سکتے ہیں, اس لیے آج اس بس میں نور میں آپ آئے ہیں یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, نماز ہم پر فرض ہے, وہ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہے, اس لیے جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ سچا نمازی بھی ہوتا ہے, عشق جبھی مزہ دیتا ہے جب سجدہ کرو اور یقیناً محبت مصطفیٰ کی ہو اور ہماری زمینیں سجدوں میں جھومیں. اے حضرت حق ہے, زندہ باد زندہ باد. عہد کر لیجئے کہ ہرگز ہم نہ چھوڑیں گے نماز, عہد کر لیجئے کہ ہرگز ہم نہ چھوڑیں گے نماز, عہد کر لیجئے کہ ہرگز ہم نہ چھوڑیں گے نماز, رب کا تحفہ ہم سبوں کے پاس لائے مصطفیٰ, رب کا تحفہ ہم سبوں کے پاس لائے مصطفیٰ. اور یہ آخری شعر محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ, ایک حضرت اعلی حضرت بن کے ہر سو چھا گئے, ایک حضرت اعلی حضرت بن کے ہر سو چھا گئے, کیوں نہ چھائیں اس میں شامل ہے رضائے مصطفیٰ, کیوں نہ چھائیں اس میں شامل ہے رضائے مصطفیٰ. محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ, درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیہ کے یا رسول اللہ.
अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें, क्योंकि मेरे बाद खुसूसी खिताब आपको जानशीन मुफ्ती नानपारा का वो अजीम खिताब आपको समाअत करना है। इसलिए अभी से शौक बनाएं कि हम महफिल नूर में किसी मजबूरी के तहत नहीं आए हैं बल्कि खुशी के साथ आए हैं। इसलिए हजरात ये जो हम जश्न मना रहे हैं ये जश्न अलग अलग सूरतों में हर जमाने में होता आया है, आज भी हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। आप देखें कुरान उठा के देखें आपको पता चलेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत में है ये सबसे बड़ा हम पर करम है, ये सबसे बड़ा करम है। नेमतें तो रब ने हमें बहुत दी हैं, बहुत सारी नेमतें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, शुमार नहीं कर सकते हैं, ये आते में नहीं ला सकते हैं। ये कहकशा, ये बहारें, ये रानाइयां, ये चांद और सूरज, ये चमक, ये दमक, ये सारी नेमतें हमें मुस्तफा के सदके में मिली है। बेशुमार नेमतें हैं जिनका हम इहाता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चार नेमतें सबसे आला है। बात तो एक पर भी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर समझाना ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत जो हम पर है वो क्या है। अगर रब चाहता तो हमें कोई भी मखलूक बना देता, एक जानवर बना देता, एक नाली का कीड़ा बना देता, कुछ भी बना देता, उस रब का एहसान। कभी आप इसमें ना जाएं कि रब ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप ऊपर की तरफ ना देखें, अपने से नीचे की तरफ देखें। और जब आप इस नेमत को सुनेंगे तो आप ये एहसास करेंगे कि हमें रब ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अकबर। आप सोचे 18,000 मखलूक में रब चाहता तो कोई कीड़ा बना देता, कोई जानवर बना देता। उस रब का एहसान मानो कि उस रब ने बगैर मांगे हमें इतना नवाजा है। उसने जो हमें बनाया है, कोई जानवर नहीं बनाया, कोई कीड़ा नहीं बनाया, उस रब ने हम पर करम ये किया है कि 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला, अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान बनाया है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहब क़िबला, जामदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह। रब की सबसे बड़ी नेमत है, इसका ही अगर हम सारी जिंदगी शुक्रिया अदा करें तो हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और देखें उससे बड़ी रब की नेमत ये है कि रब ने हमें फिर मोमिन बनाया है, मोमिन बनाया, ईमान अता किया, और वो भी मोमिन हजरत नूह की कौम का नहीं, हजरत लूत की कौम का नहीं। हजरत, बाकी अंबिया की अगर उम्मत में होते तो आज हमारे जो हालात हैं कब का हम पर अजाब आ जाता। ये करम है मुस्तफा का, ये करम है कि आज हम अजाब से महफूज हैं। रब ने उससे बड़ा करम हम पर ये किया है कि हमें हजरत आदम की उम्मत में नहीं, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब की उम्मत में नहीं, हजरत मूसा और ईसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, बल्कि खातमुन नबीहीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मोमिन बनाया है। उससे बड़ा और उससे बड़ा करम बालाए करम ये है कि रब ने हमें गुस्ताख नहीं बनाया है, मुस्तफा का वफादार बनाया है। हमें नबी की आल की भी मोहब्बत ही है, नबी के सहाबा की भी मोहब्बत ही है। और हजरात, हमें पैगाम दिया है और हमारा जो रिश्ता है, खुशनसीबी हमारी और आपकी है कि आज कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, कुछ लोग आज सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर कुर्बान जाएं आज हम अपनी किस्मत पर कि हमें मसलके आला हजरत मिला है। ये सच्ची बात है, मसलके आला हजरत मिला है, क्योंकि इसमें नबी की आल की भी मोहब्बत है, नबी के सहाबा की भी मोहब्बत है। इसलिए बाहर खारजियों ने दावा
किया कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखी की और हिमायत में इतना आगे बढ़े कि यजीद को भी उन्होंने अपना पेशवा तस्लीम कर लिया। एक राफिजियों की टोली है कि नबी की आल से मोहब्बत करने का बहुत बड़ा दावा किया, लेकिन हजरत नबी के सहाबा गुस्ताखी करके वो भी जहन्नम के हकदार हो गए। मगर आला हजरत ने वो मसलक हमें दिया है जो मसलक इमाम आजम अबू हनीफा है, जिसमें नबी की आल की भी मोहब्बत है, नबी के सहाबा की मोहब्बत। बात समझ में आ रही है? तो कह देना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लगे थोड़ा शौक शौक और शौक से सुन रहे हैं। अभी तो एक और खिताब समाप्त करना है, अभी से सुस्त पड़ जाएंगे तो यकीन फिर जो है बाद वाले खिताब से कमा हक़हू आप महसूस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हजरत के आने से पहले आपका शौक ज़बान हो जाए कि हम मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, हम अपने मुकद्दर पे नाज करें, अपने किस्मत पे नाज करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अल्लाह ने हमें आता फरमाई है। बनी इसराइल के नबियों ने ये दुआ की थी, माला मुझे नबी ना बना था, मुस्तफा का उम्मती बना देता, मुस्तफा का उम्मती बना देता। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। मगर आज जो हमारे किरदार हैं, जो आज हमारी रबीश है, इसलिए अल्लाह ने हमारा ये मुकद्दर बनाया है कि नबी का मीलाद भी हम मनाएं और शौक शौक के साथ मनाएं, जितना हो सकता है उस पर जायज तौर पर हम खर्च भी करें, हम लंगर भी तकसीम करें, हम जुलूस भी निकालें, हम सरकार की मोहब्बत में दरूद व सलाम भी पढ़ें, महफिलें भी सजाएं, लेकिन उसके साथ हमारा फर्ज ये भी बनता है कि इन मस्जिदों को भी आबाद करके बता दें कि हम सिर्फ मीलाद मनाने वाले नहीं हैं, बल्कि मीलाद भी हम मनाते हैं और मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज को कायम करके भी हम जानते हैं और उसको कायम करना भी जानते हैं। हजरात, इसलिए आज जरूरत है, किरदार हमारे बिगड़ गए हैं, आज हमारी बिगड़ गई है, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां होती जा रही है, आज हमारे अंदर इख्तलाफात झगड़े और तमाम जो है आज मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। आज बीमारी देखे जिसको देखे आप जो है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को किसी चीज की बीमारी है, ये इसलिए है कि हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। आज भी अगर हम तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करें, इसलिए दिलों को सुकून किस चीज से मिलता है, दिलों को चैन किस चीज से मिलता है। आज चीजें हमने छोड़ी है, आज हमने रबिश बदल दी है, तरीके बदल दिए हैं, सरकार की सीरत को छोड़ दिया है। आज हमारे लिए जरूरी है मुस्तफा की सीरत को पढ़े, मुस्तफा चलते कैसे थे, मुस्तफा उठते कैसे थे, मुस्तफा बैठते कहते थे, मुस्तफा कैसे खाते थे, सरकार की सुन्नतों को अमल में लाए और नमाजों की पाबंदी देखे, फिर करें और फिर देखें जिंदगी में कितना इंकलाब आता है, कितना मसरूर दिल होता है, और जो दिल मसरूर होता है वो कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होता। आज हमने सुन्नत छोड़ी, खड़े होकर पानी शुरू कर दिया, आज हमने सुन्नतों को पामाल किया, मस्जिदों से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया, आज हमने चेहरे सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज खाली कर दिए, आज लिबास हमारे बदल गए, आज हमारे तरीके बदल गए, किस किस चीज पे बात की जाए। आज सोचे कितने लोग होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आज ईशा की नमाज पढ़ के बैठे हैं, कितने लोग होंगे जिनकी नीयत ये होगी कि आज हम फजर की नमाज पढ़ेंगे। क्यों? सरकार का फरमान हमें याद नहीं है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसको कायम किया उसने उसको कायम किया। वमन तरकहा हदमद्दीन, जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आज सबूत इस बात की है कि हम सीख के जाएं मीला मनाना कुरान और हदीस के आईने में कहां से साबित है। उन आयतों को याद हम करें ताकि दुनिया वालों को बताएं, उन मुनकरों को भी बताएं कि जो हम मीलाद मनाते हैं हम कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं करते हैं, बल्कि कुरान और हदीस के आईने में हम मीलाद करते हैं। शक बेशक हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहला जलसा रब ने किया और वो जलसा रब ने अपनी रुबूबियत का किया। सुनना चाह रहा
आप लोग बोलते रहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह से बोले सुभान अल्लाह बोलते रहे। गर्मी की शिद्दत है, कीड़े भी गिर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत से मुंह से सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले रब ने एक जलसा किया, ये दुनिया नहीं बनी, ये आलम नहीं बना, जमीनों आसमान नहीं बने, हजरत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ नहीं लाए, आलम अरवाह में एक जलसा किया रब ने अपनी रुबूबियत का, नमा फारा है। कुरान उठा के देखें, रब ने हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने आने वाले थे, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो किसी यहूदी हो, नसरानी हो, सारी रूहों को रब ने जमा किया, और उसके बाद रब ने अपनी रुबूबियत का इकरार लिया। रब ने इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबसे पहले रूह मुस्तफा से आवाज आती है, कालू बला शहीद, सारी रूहों ने फिर इकरार किया कि हम गवाही देते हैं, मौला तू हमारा रब है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चा भी दुनिया में आता है वो बच्चा फितरत इस्लाम से पैदा होता है। ये अलग बात है कि माँ बाप जो होते हैं वो बना देते हैं, मगर वो पैदा फितरत इस्लाम पे होता है। बात यहीं पर मुकम्मल हो गई। फिर अल्लाह ने एक और जलसा किया आलम अरवाह में, मगर हजरात यौमे मीसाक के अंदर, लेकिन यहाँ पर काफिरों की रूहों को निकाल दिया। जो रब जानता था कि आज ये मेरी वहदानियत और रुबूबियत का इकरार करके जा रहे हैं, कल ये इनकार कर देंगे, इसलिए जो इनकार करने वाले थे उनको पहले ही बाहर कर दिया। हजरत मोमिनों की रूहों को भी अलग कर दिया, उसके बाद औलिया और सहाबा की रूहों को भी अलग कर दिया, सिर्फ उनको रखा जो नबी बन के आने वाले थे, जो रसूल बन के आने वाले थे। कुरान उठाइए, सूरह निसा है, पारा नंबर 3 है, 81 नंबर आयत है, आप कुरान उठा के देखें। अल्लाह ताला ने यौम मीसाक के अंदर नबियों से यह अहद लिया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक नबीयीना लमा आतैतुकुम من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين। رب نے نبیوں اور رسولوں کی روحوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، لیکن سنو، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، تم میں وہ رسول تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو پھر تمہیں جو ہے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا پڑے گا، پھر کلمہ تمہارا بھی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے آدم تم بھی سنو، اگر مصطفیٰ آگئے تو ایمان لانا پڑے گا، اور ضرورت پڑ گئی تو مصطفیٰ کی مدد بھی پڑے گا۔ بلکہ نبیوں اور رسولوں کی روحیں تھیں، یہ انکار کرنے والی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی رب نے اقرار لیا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، بھاری ذمہ اٹھایا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اے موسیٰ باقی پر تم گواہ ہو جاؤ، اے آدم تم باقی پر گواہ ہو جاؤ، اگر شمار کیا جائے تو 124,000 کم و بیش انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں، اگر ایک پر بقیہ پر گواہ مانا جائے تو 123,999 گواہ ہوئے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ایک کبھی کیوں رہ جائے، سنو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، درود پاک پڑھیں اللہ اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، کھڑے ہو کر آپ لوگ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جانشین مفتی اعظم نان پارا، جانشین مفتی اعظم نان پارا، نبی مفتی اعظم نان پارا،
नबीर मुफ्ती आजम नान पारा, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब तबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब तबला। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आप लोग रास्ता छोड़ दें, आने दे हजरत को, और बीच बीच में आप लोग मुसाफा बाद में हो जाएगा, सबको मौका मिलेगा प्रोग्राम के बाद में। अब हजरत हजरत को स्टेज पे आने दें और हजरत के चेहरे की जियारत करें और अपने नामे आमाल में नहीं बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं, और जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, और ये पूरी जगह पिंडाल की पुर कर लें और बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। इस नारे के अंदर आप लोग बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का खिताब जैसा जारी था वो जारी रहेगा। आप हजरात समाप्त करें। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। एक मरतबा और झूम कर दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि हमारा रिश्ता ऐसी बारगाहों से है। हजरत मुफ्ती नान पारा रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है, आप सब जानते हैं। आज उसी मिशन पर अदत अलामा मुफ्ती खालिद साहब क़िबला मद्दज़िल नूरानी सारे मुल्क के अंदर पैगाम और मिशन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस मिशन पर आप सबको दिल के साथ अगर जुड़कर आप भी इनके पैगाम हक को कबूल करेंगे तो फिर चार चांद लगेंगे। हमने वाकई अपनी छोटी सी उम्र में देखा है मुफ्ती नान पारा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों को, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतों और रिजवान के मुरीदों को, हुजूर शेर पेशेल सुन्नत के मुरीदों को, यानी बारगाह आला हजरत से जो फैज पाकर फिर खितों में निकल गए हैं, उन्होंने उस मिशन पर काम किया है। और हजरत, इन हजरत के मुरीदों में अक्सर मैंने खास तौर पर जो देखा है वो अकीदा इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई ताकत उस अकीदे से हिला ना सकी, बल्कि आखिरी दम तक अकीदे में मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे। और दूसरी बात जो हमने देखी, उनके चेहरे भी उसी तरह सजे हुए देखे, और ये भी देखा कि वो नमाजों की पाबंदी करते थे। इसलिए मेरी पैदाइश जिस इलाके में हुई टुंडवा बुजुर्ग एक नाम है और उसी के पास एक मिर्गावा है। हजरत जानते हैं वहां पर काफी मुरीद थे मुफ्ती नान पारा के, और हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शेर बेशेल सुन्नत, इन बावकार हजरत का आना जाना उस इलाके में बहुत रहा है। मेरे वालिद भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिजवान से मुरीद थे। बताने का मकसद ये नहीं है, बताने का मकसद ये है कि जब ऐसी शख्सियतें आपके दयार में आने लगे तो फिर इनके हाथ पर जब आप जो है बैत हो, इनके हाथ से अपना ताल्लुक कायम करे तो फिर दुनिया वाले देखे कि ये सौदा झूठा सौदा नहीं है, ये सौदा हकीकी सौदा है। अब आज से नियत ये करके जाए कि हमारा चेहरा भी हजरत के चेहरे की तरह होगा। इसलिए जो सुन्नत मुस्तफा के साचे में ढला हुआ चेहरा होता है वही चेहरा खूबसूरत होता है। और नहीं तो बताइए कि कायनात में मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई आया है?
आप बताएं आया है नहीं आया है, पूछिए हजरत हसन से, मा अहसनु मिन कलम तरक्कत वईदी व अजमलु मिन कलम तलदिल निसा खुलिक्ता मुबर्रम मिन कुल्ली अयबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशा। ये कौन हजरत हसन कह रहे हैं, बात लंबी हो जाएगी, मफहूम समझ ले। हजरत हसन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। और उसके बाद आज कोई हो सकता दो टाक का जानवर, कोई खारजी और वहाबी खड़ा होता और ये कह देता कि हजरत हसन ने अरब देखा है, अजम नहीं देखा है, दुनिया के अलग खित्तों को नहीं देखा है। हजरत हसन ने वो रास्ता बंद कर दिया और पुकार के कह दिया, वो आज खूबसूरत बच्चा ही पैदा नहीं। इसीलिए बरेली के ताजदार पुकार के कहते हैं, दंदानो लबो जुल्फे रुखे शेख के फेदाई है, तुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूर। क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूर। बात समझ में आ रही अदरार, तो मेरा बस कहने का मकसद हजरत का खिताब हम सब समाप्त करेंगे। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक हजरत इन बावकार शख्सियतों से है, इसलिए मैं आपको पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आज की इस महफिल से जब जाएं तो ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम फज्र से नमाज पढ़ेंगे। और ये भी अच्छी बात होगी कि आज की इस महफिल नूर में नौजवान खड़े हों और हजरत के हाथों को चूम कर कहें कि आज से हम दाढ़ी भी रखेंगे। यह अहद करके जाएं और यकीनन आज से एक महीने के बाद आप अपना पहले का चेहरा और आज के एक महीने के बाद चेहरा आप मिला लीजिएगा। अगर आपको खूबसूरत न लगे तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन आज से यह अहद कर लें कि इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि महफिल मीलाद यकीनन हम मनाते थे मनाते रहेंगे। आला हजरत ने हमें पैगाम दे दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्त के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और नजदियों को जलाते जाएंगे। और हजरत क्यों ना मनाए निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी उलफल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी उलफल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इसलिए कल कोई ये ना कह दे इसका ताल्लुक मुफ्ती खालिद मद्दज़िल्लहु नूरानी से है और इसका चेहरा कैसा है, ये नमाजी नहीं है। इसलिए अगर दादा जान की बारगाह में चले और उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह रिज़वान की बारगाह में चले, हुजूर सदरुश शरिया, हुजूर शेरवेशले सुन्नत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हज़रात इनके मुरीदों को देखें, हज़रात इंकलाब बरपा हुआ तो आप इनसे जब ताल्लुक कायम किया है तो ऐसा मजबूत ताल्लुक कायम करें ताकि आपकी सूरत भी बदल जाए, आपकी सीरत भी बदल जाए, आपकी सुबह भी बदल जाए, आपकी शाम भी बदल जाए। कहने वाला कह दे अरे ये दीवाना आ रहा है, इसका ताल्लुक नान पारा से है, जब से ताल्लुक नान पारा से हुआ है इसकी जिंदगी मदीने के ताजदार की सीरत में ढल गई है। अरे अब तो ये दीवाना है, अब तो मुस्तफा का आशिक है, अब तो मुस्तफा का गुलाम है, ये खाता मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक है, ये चलता मुस्तफा की अदाओं को लेकर है, उठता मुस्तफा की अदाओं को लेकर उठता है, इसके पड़ोसी इससे राजी है, रिश्तेदार इसके खुश हो गए हैं, अखलाक इसका बेहतर हो गया है, मुस्कुरा के मिलता है, नबी की सुन्नत
कीमत को अदा करता है, अपने से दूसरों से मोहब्बत से मिलता है। और आपकी खुशनसीबी है कि आपको एक मुतहर्रिक इमाम मिला है। यकीनन मेरी आदत नहीं है, लेकिन वाकई में उनके अंदर काम करने का जज्बा है। बस जरूरत इस बात की है कि आप कारी मुनव्वर साहब क़िबला का साथ दीजिए, इंशाल्लाह इस जो है नौगांव की सरजमीन पर एक इंकलाब आएगा और आने वाले सालों के अंदर यकीनन यहां पर अमल और किरदार के साथ ये जो यहां से एक मिशन चलेगा वो आगे बढ़कर यकीनन और शहरों तक भी पहुंचेगा। और ये कहते हुए यहां से कारी मुनव्वर उठेंगे और आपका साथ रहेगा और हजरत मुफ्ती नानपारा की इस निशानी का आपके साथ सरपरस्ती रहेगी और आप कहते हुए आगे पढ़ेंगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारबा बनता गया। जब आपने अहद कर लिया जो एक सालों से एक जो है खराफात बिदअत चली आ रही थी कि शादियों में घरों में भी नाच, बारात में भी डांस, ढोल और तमाशे के वजह से ऐसे अच्छे लोग बरातों में से जाने से कतराते थे और नहीं जाते थे, आपने उस पर अमल किया। आज लोग उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप अहद कर लेंगे तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस पैगाम हक कॉन्फ्रेंस को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें मुस्तफा की मीलाद का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन वा अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आयब तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे। अस्सलाम। जमात अहले सुन्नत मुमताज़ व मुनफरिद खतीब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा साहब, जिनकी शऊर व फिक्र की तजल्ली से पूला पिंडाल रोशन था, दुआ है परवरदिगार इस ज़ात को सलामत रखे, जिनकी फिक्री जगमगाहटों से बज़्म सुन्नियत में उजाला। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी, इसी दरमियान आपने देखा खलीफा हुजूर मुहद्दिसे कबीर व हुजूर गुलजार मिल्लत शेख तरीकत पीर तरीकत नबी रहे हुजूर मुफ्ती नानपारा आलिम बामल उस्ताज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुदब्बिर कौम नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला कादरी मंजरी नानपारा शरीफ की आमद हुई। आप हजरत के चेहरे की जियारत कर रहे हैं और अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। मैं हजरत के चेहरे को देखने के बाद ये कह सकता हूं कि हजरत की जात परतवे मुफ्ती नानपारा है, अक्से हुजूर मुफ्ती नानपारा है, सुभानअल्लाह जलवे हुजूर मुफ्ती नानपारा है। अगर दीवाने अहले दर्द हैं अहले इश्क हैं तो बस अपनी आंखों से देख करके ये कहें कि चिलमने रुख क्या उठी बरके तजल्ला दे गई, मरने वालों को भी जीने की तमन्ना दे गई, कल शराबे दीद खुद बांटी अदाए यार ने, जिसका जितना जर्फ देखा उसको उतना दे गई। सुभान अल्लाह कह दें नौगांव वालों जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अभी हजरत ने दो तीन जुमले आपके इस जामे मस्जिद के खतीब व इमाम मुजाहिद सुन्नियत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत कारी मुनव्वर रजा साहब क़िबला कादरी दामत बरकातुहुल कुदसिया असीर हुजूर मुफ्ती नानपारा के ताल्लुक से बोले हजरत अल्लामा तहसीन रजा साहब क़िबला ने। मैं बैठे बैठे एक शेर याद कर रहा था, अगर इजाजत हो तो सुना दूं आप लोगों को। वो पेशरो है मगर रास्ता नहीं देता, बुजुर्ग हो के भी देखो दुआ नहीं देता, बुजुर्ग हो के भी देखो दुआ नहीं देता, किसी किसी को थमाता है चाबियां घर की,
खुदा हर एक को अपना पता नहीं देता। अल्लाह का शुक्र है कारी साहब कबला इस मस्जिद में रह करके मजहब मसलक का काम करेंगे इंशाल्लाह, और जो हजरत के जुमले निकले हैं ज़बाने मुबारक से इंशाल्लाह सरकार मुफ्ती एनान पारा के परतों के तसद्दुक इंशाल्लाह अज़ीज़ ये एक एक जुमले सच होंगे मीलाद मुस्तफा के सदके में। सुभान अल्लाह कहें सुभान अल्लाह, तो जरा हाथ उठा के एक बार दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो दीवारों पर बैठे हैं, अब जाहिर सी बात है मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उतरे हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हाँ मगर साइंस हैरा है बुजुर्गों की सवारी पर।